friends, I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs, and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? कैसे हैं तीक आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ। अच्छा आपकी जिम कैसी जा रही है? मेरी जिम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। ओके आप उधर उधर की बात करो, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, आप उधर देखो, मैं आपको इधर से दे रही हूँ। अच्छा तो आज आपको पता मैं क्या दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जो देख के मैं भी सरप्राइज हो गई थी ना, आज मैं अपने व्यूवर्स को दिखाने वाली हूँ। आपको पता क्या? नहीं पता? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ आज। आज ऐसा हुआ कि जब से ये पंखा तो बंद करे पता क्या, फिर आवाज़ भी सही जाती। तो सुने आज ऐसा हुआ कि जब से शादी हुई थी मैंने कभी जो वो अलमारी को खोल के नहीं देखा था कि इसमें क्या कुछ है, मतलब जो यहाँ पे कपड़े हैंग हुए हुए थे ना, बस वही मैंने निकालती गई और पहनती गई ना, मतलब मुझे बाकी का पता ही नहीं था कि बाकी अलमारी में क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ। तो आपको पता क्या हुआ, अतीक आपको पता क्या हुआ, आज मैंने अलमारी खोली, आए मैं आपको भी दिखाती हूँ, चले आए आपको भी पता, चले आए फिर चले मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या हुआ। आज जब मैंने ना ये अलमारी खोली ना, तो इससे मुझे इतने सारे ड्रेसेस के ना कुछ बॉक्सेस दिखाई दिए। ये देखें, देखिए क्या था इनमें से, तुम्हारे ड्रेसेस थे इनमें। तो सच में आपको बताती हूँ, मैं वाकई में सरप्राइज होगी, मैंने कभी खोला ही नहीं इसको और कुछ ऐसा खास काम ही नहीं था इस वाली में। ये देखिए, ये जब वो बेडशीट थी हमारे पास, जो ब्राइडल बेडशीट होती है वो रखी हुई है, और ये वाली नहीं दिखानी खोल के, क्योंकि इस वाली में जो है वो मैंने कपड़े रखे हैं लेकिन दिखा नहीं सकती। अच्छा तो मैं सिस्टर्स आपसे बात कर रही थी, जब मैंने इसको खोला ना थी तो मैं इतनी सरप्राइज हुई कि इसमें अभी इतने सारे ड्रेसेस ऐसे हैं जो मैंने देखे ही नहीं थे। आप मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे मुद्दे तो मैं तुम्हें बताता ना, ये तो तुम्हारे हैं। लेकिन आपने मुझे बताना तो था कि तुम्हारे लेके रखे थे, और वो आंटी जी ने शायद रखती है तो उन्होंने मुझे नहीं, उन्हें लगा कि शायद ये खुद देख लेगी। तो आज मैं आप लोगों को ना सारे और ड्रेसेस दिखाती हूँ। इसमें कुछ बॉक्सेस हैं जो खाली हैं, क्योंकि कुछ जो स्ट्रिच हो गए थे फिर वो बॉक्सेस खाली हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, अतीक आप बताएं आपने ये कहाँ से लिए थे, थोड़ा आइडिया हो जाए लोगों को, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो भी इससे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा लोगों को, बताएं क्या बात है, आपको बताना नहीं आ रहा, ये कंफ्यूज हो रहे हैं? कंफ्यूज नहीं हो रहा, असल में मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगला रास्ता ना बताऊं उनको, मैं अपनी शॉप का रास्ता बताऊं। क्योंकि हम करीब मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ अपने इसी फील्ड से रिलेटेड। okay. और ये मेरी अपनी फील्ड है, कपड़े का शोभा है मेरा, और उसमें काफी कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मैं यहाँ पर काफी घूमा, अपने पास भी शॉप पे चेक किए, मुझे कपड़े इतने अच्छे नहीं लगे ना, तो मुझे ये लग रहा था कि तुम्हारे महल के मुताबिक नहीं है। अच्छा जी, तो फिर मैं स्पेशल इन ड्रेसेस की शॉपिंग के लिए लाहौर गया। यानी कि आप मेरी शॉपिंग के लिए लाहौर गए? हाँ जी बिल्कुल, आपकी शॉपिंग के लिए मैं लाहौर गया। ठीक है, लाहौर से लेके आया था आपके लिए। खोला और जब मैंने दो तीन बॉक्सेस को ओपन किया तो मैंने देखा ओ वाह, इसमें इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। चले ठीक है, हम इनको इसको दूसरे रूम में लेकर जाते हैं सारे बॉक्सेस को, और इनमें जो ड्रेसेस अभी बाकी हैं, जो भी अनस्टिच हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, और जो मेरे स्टिच हो चुके हैं वो भी आप लोग को भी दिखाती हूँ। ठीक है, तो चले हम इनको वहाँ पर लेकर जाते हैं। ठीक, कुछ आप उठाएं कुछ मैं उठाऊंगी। ठीक है, ठीक है, बाकी मैं उठाऊंगी, आप लेके जाए, मैं भी लेके आती हूँ। लेके आऊंगी, थैंक यू। अब मैं अपने वाले लेके आऊँ, अपने वाले उठा के लेके आऊँ, मैं तब तक ऐसे होंगे। चलें ठीक है, और अपने वाले भी मैं बॉक्सेस ले गई, और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ड्रेसेस थे ना ये हैं, मतलब जो
लॉन वगैरह के जो ड्रेसेस थे ये वो हैं, और मैं सारे आपको दिखाती हूँ आज, ठीक है? आज जो है ना वो सही मजा आएगा। इसी चलें, ठीक है, मैं एक सेकेंड इस फैन को ऑफ कर देती हूँ। इसे ऑन किया आपने? ओके, विंडो भी क्लोज कर देते हैं हम। अच्छा ये बताओ यार, इस वीडियो में इधर मेरी तरफ करना। अच्छा एक सेकेंड, हाँ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया आप सबने? हाँ ये तो बात सोचने की है, ये थी कि उसे बंद नहीं हो रहा। हो गया, खाना खाया था? खाना तो खाया था, ये खराब हो गया विंडो। आपने खाना नहीं खाया? नहीं मैंने खाया था। अच्छा जी, अच्छा मेरी ये बात हो रही थी, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रही? चले जी, जो जो भी इनके चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आप वीडियो को पॉज करें, सबसे पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वापस आके वीडियो देखें, ठीक है? जल्दी से जाइए। और अभी मैं आप लोगों को अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ, ठीक है? इसको हम पहले जरा थोड़ा सा सेट करते हैं, इनको यहाँ पे रखती हूँ ना मैं। मेरी जरूरी है? हाँ हाँ, कितने हैं? एक, दो। अच्छा किसके हैं ये? शफी एंड नहीं, ये उनके नहीं है। आज मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर नहीं करना, सो यू हैव टू बी केयरफुल, कोई भी उल्टी बात नहीं करनी आप, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा वो टायर्ड हूँ और मुझे अब सोना है, तो वीडियो को मैं रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कर दूंगी। सो ओके, गॉट इट। चले जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे ना लॉन के ड्रेसेस थे, उसमें एक ये था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैं बहुत ज़्यादा पहन चुकी हूँ अब तक, हद से ज़्यादा। एक ये ड्रेस था, ये लॉन है, उसके बाद एक जो है वो ये ड्रेस था, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये बिल्कुल जो वो प्रिंटेड था, इस पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं थी और ये भी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, ये वाला देखिए, इसकी पिक्चर जो है वो शायद इतनी क्लियर नहीं होगी, ये आपने अक्सर मुझे देखा भी होगा पहने में। और उसके बाद जो है वो एक ये ड्रेस था, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसका गला आपने सेम ऐसा बनवाया था ना तीक? असल में कुछ मेरे जो ड्रेसेस हैं वो वहाँ पड़े हैं बाबा के घर पे, वरना मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती कि ये ड्रेसेस हैं। अच्छा ये था, और उसके बाद एक जो है वो ये ड्रेस है, ये जो है वो लॉन के ड्रेसेस थे, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो इन्होंने मेरे फैंसी ड्रेसेस लिए थे, मतलब मैं आपको बताती हूँ, सही से एक्सप्लेन करती हूँ कि इन्होंने ऐसा किया था कि पहले यहाँ पे सरगोधा में शॉपिंग करने के लिए थोड़ी सी कह लेके तलाश किया, तो इनको कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, तो मतलब शायद जो ये चाह रहे थे वो नहीं इनको मिला था, तो इन्होंने फिर ये प्रेफर किया कि जैसा कि इनका इनके बिज़नेस से रिलेट करता है, ये इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था लाहौर जाकर, तो उन्होंने वहाँ पर जो पूरा एक वॉल्यूम परचेज किया था जिसमें शायद कितने ड्रेसेस थे अधिक, 10? हाँ इसमें 10 ड्रेसेस थे, तो मतलब जो मेरे फैंसी ड्रेसेस हैं वो ऑलमोस्ट 10 थे, और जो जिसमें कुछ स्टिच करवा लिए थे, कुछ अनस्टिच हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये वाले कौन से हैं, ये क्या है? ये विस्कोस कपड़ा है, ऑल ओवर प्रिंट में, इसका सिल्क दुपट्टा है। ओह वाओ, ये ओपन करके दिखा दो। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, दोबारा पैकिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वो आपको इस बात का एक्सपीरियंस आपको अच्छे से होगा ना, सिर्फ दुपट्टा ओपन करना, शर्ट ना ओपन करना। चलिए मैं आपको दिखाऊंगी दोनों पे, दोनों में दुपट्टा और शर्ट सेम प्रिंट में है। दुपट्टा कहां है? सिल्क का दुपट्टा है इसके ऊपर, निकाल लो सारा सिल्क दुपट्टा। हां निकाल लो, ये देखिए। अच्छा ये ड्रेस था और ये है इसका दुपट्टा। अच्छा ये वाकई बड़ा प्यारा थी, मजे की बात है। मुझे पता क्यों ज़्यादा खुशी हो रही है आपको सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने ना पहले ये सब कुछ देखा नहीं था, तो मैं बड़ी एक सरप्राइज हो रही थी कि वाह
तो ये तो बहुत प्यारा, देखिए इसका दुपट्टा कितना प्यारा इसका है, ये क्या स्टफ है देख, विस्कोस। अच्छा ये सिल्क नहीं, विस्कोस इसकी शर्ट है। अच्छा देखिए सिल्क में दुपट्टा है और इसकी, अच्छा वैसे अंकरीब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले फिर मैं आप लोगों को ये ना सारे ड्रेसेस दिखा रही होंगी, ठीक है, बहुत जल्दी हम ना एक अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं वैसे सच बता रही हूँ, आप लोग मुझे सजेशन दें, शायद ना बिजनेस स्टार्ट करें, हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। चले ठीक है, बहर आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मुझे, वैसे मेरा थोड़ा सा इसमें ना इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं कुछ इस तरह का ना बिजनेस स्टार्ट करूँ, बाकी आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा या सजेशन दीजिएगा। खैर अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ, अपने ड्रेसेस दिखा देती हूँ। इसी तरह से एक ये भी ड्रेस है, इस तरह का ये भी अनस्टिच था, ये मुझे नहीं पता था, अब मुझे मिला तो होती का मुझे इसको स्टिच करवा के दे, ठीक है। वैसे जो ड्रेस मैंने अभी भी पहना हुआ ना, ये भी बहुत मुझे पसंद आया था, ये देखिए इसका दुपट्टा कितना प्यारा है, ठीक है इसको पकड़ें, ये देखें ये मैंने अभी जो है ना स्टिच, ये ड्रेस जो मैंने अभी पहना हुआ है और ये मैंने ईद पे लिया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसने स्टिच नहीं अच्छा किया थी, पता है आपको ईद पे भी ऐसे ही होता है, और कितने दिन पहले आपने लिए थे? अच्छा इतने गुस्से से ज़्यादा बोले ना मेरे गुस्से से नहीं, इसकी शर्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ठहरे ये है इसकी शर्ट देखें, ये सही से दिखाने वाली थोड़ी एम्ब्रॉयड्री है इस पर, और वो देखिए पीछे कौन बैठा है, हेलो कर दें अतीक चले हम वापस आते हैं अपने फाइनली अपने ड्रेसेस की तरफ। तो सबसे पहले ये देखें, एक ये ड्रेस है जो कि बहुत प्यारा है, देखिए ये बहुत ही चॉकलेट ब्राउन कलर है ना, देखिए क्या कलर है, ब्राउन मैरून और गोल्डन। अच्छा आपको कलर्स की पहचान दूर से हो जाती है ना अच्छा ये है एक ड्रेस और जिसका मुझे पता ही नहीं था, और ये हो सकता है मैं भाई की शादी पे जाना इन्हीं में से ड्रेसेस स्टिच करवाऊंगी, अभी मैं नए नहीं लूंगी, मुझे नहीं पता था कि इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस पड़े हैं। मैंने जब कल कहा था कल तो तुम्हें बड़ा तो मुझे नहीं पता था, अच्छा गुस्सा तो नहीं आया था। अच्छा देखिए ये शर्ट है और ये क्या अतीक, ये इसका दुपट्टा है। अच्छा वाह ये दुपट्टा है, देखिए कितना प्यारा दुपट्टा है, जुगाड़ कपड़ा है, जमावार वो क्या होता है जुगाड़ दुपट्टे का नाम है, इस कपड़े अच्छा, का अच्छा। नाम है। ये देखिए शर्ट का शायद पता नहीं क्या है, सदी इस चक्कर में तो तुम्हारी पूरी रात गुजर जाएगी, कोई बात नहीं हम वीडियो के दो पार्ट कर लेंगे, नहीं नहीं ये भी ठीक है, ठीक है चलें। ये देखिए ये है शर्ट का, अब मुझे नहीं पता सच में बताऊँ आपको कि क्या है फ्रंट बैक क्या है, ये पता नहीं क्या है उसका, कि एक पैच है साथ में कुछ, ये है लेसिस वगैरह है, और बहुत प्यारा और ये वाला ड्रेस जो ना मैं भाई की शादी पे स्टिच करवाऊँगी इंशाल्लाह, और फिर मैं ये पहन के नहीं स्टिच करवा के मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा स्टिच किया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोल दें तुम्हारी शादी की तैयारी तो फिर कंप्लीट हो गई? हाँ हाँ बस सिर्फ हम वो लेंगे जूते वगैरह, ठीक है ठीक, आप खुश हो जाओ खर्चा बच गया ना। चले एक ये हो गया, उसके बाद एक ड्रेस जो है वो नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं, इसे उठा के इस तरफ रख दो मिक्स ना हो जाए, ताकि आपका ये पहले से इंतजार करें कि जब लाइट ऑफ हो और जो है वो हम नींद करें। एक ये ड्रेस है इसका जो आप ये देख लीजिए, ये भी बहुत प्यारा है, कलर भी काफी अच्छा है, वाओ। अच्छा मुझे ये कपड़ा बहुत ज्यादा पसंद है, ये क्रिंकल शिफॉन है ना, आई लाइक इट, ये यही दुपट्टा जो मैंने लिया हुआ, ये कपड़ा ना, ये जो मैंने दुपट्टा लिया हुआ ना, ये क्या प्योर है क्या चले जी साथ साथ आप लोगों को ना जो कपड़े की पे वो भी बताते रहेंगे ये लोग, ये अतीक आप लोग जो ना वो पहचान कर लें कपड़ों की, आप लोग ये सीख लें, ठीक है। ये शर्ट है, मैं इसको खोल नहीं रही, फिर मुझे बंद करना बड़ा मुश्किल लगेगा इसका, ये इस पता नहीं क्या है, अतीक आप साथ साथ बता दें थोड़ी देर मोबाइल छोड़ के, आप बता रही हो ना, अच्छे से बता रही हो, गाइड कर रही हो, ये क्या चीज़ है, ये इसके पैचेस हैं, हम ये पिंक वाला इसका दुपट्टा है, अच्छा ये दुपट्टा है, हाँ जी वाह इसका दुपट्टा है, वो तो बहुत प्यारा है, हाँ जी बाकी ये शर्ट का फ्रंट बाजू और सब डिफरेंट चीजें हैं, पैचेस वाले सूट, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ मुझे दुकानदारी अगर करनी है तो फिर तो जो है लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आप करें चलें दूसरा ये था, और उसके
उसके बाद इसमें देखते हैं क्या है। ओह वाह, ये बहुत प्यारा है। ये मैं आपको बताता हूँ, इस शर्ट की सारी इसका जो पहले इसका ये दिखाएं। ये दिखाओ, पिक्चर दिखाओ। ये देखें, ये है इसकी पिक्चर। इसका जो दुपट्टा है वो नेट का है। आराम से ठीक पे बंद, मैंने नहीं करना, बस फिर खुद ही करो। नहीं ना प्लीज बताएं। इसका नेट का दुपट्टा है। ये क्या चीज है? ये दुपट्टा, ये दुपट्टा है ना। वाह, कितना साइड बॉर्डर बना है दोनों तरफ से। अच्छा, सेंटर इसका। आपको सारे याद है? हाँ मुझे याद है। अच्छा अच्छा, चले बताए। तो बाकी ये इसकी शर्ट है, इसके साथ ये इसके बाजू हैं, ये स्लीव्स आ जाएंगे। कितनी प्यारी है ना स्लीव्स, है ना। और ये इसके नीचे पैचेस हैं। वाओ, ये देखिए कितने प्यारे ड्रेसेस है ना। और ये इसका ट्राउजर है, इसका ट्राउजर बिल्कुल प्लेन है। अच्छा, लेकिन जिस तरह आप इसको ओपन कर रही हो, जितनी मुझे नींद आई है, मैं तो कभी भी नहीं इसको बंद करूंगा। प्लीज, ये ड्रेसेस तुम्हारे हैं, इसलिए बी केयर। तो मैं किसकी हूँ? उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमने तीन ड्रेसेस दिखा दिए, इस देखते हैं इस वाले बॉक्स में क्या है। ये क्या है? ये तो इसका ड्रेस नहीं है। इस ब्रांड का ड्रेस नहीं है, ये मसूरी का सूट है। इसका फ्रंट बिल्कुल सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडर्ड है, और दुपट्टा भी इसी तरह सीक्वेंस उसके ऊपर काम हुआ हुआ है। और इसके साथ ट्राउजर जो है वो आप ग्रिप का भी लगा सकते हैं, अगर आपको मसूरी का ट्राउजर लगाना है तो आप मसूरी का भी लगा सकते हैं। और इसमें दो ऑप्शन है, मसूरी का ट्राउजर आप बॉर्डर वाला भी लगा सकते हैं और प्लेन भी लगा सकते हैं। ओके शुक्रिया। उसके बाद इसमें क्या है? हाँ, ये आपका है ड्रेस। ये जो ड्रेस है ये मेरा स्टिच हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। इस ये वाला ड्रेस है, ये वाला, ये है वो ड्रेस। अधिक मुझे दिखाएं इसका वो, ये देखिए, फोकस नहीं कर रहा कैमरा, तो इसको आप ही देखिए। इसका तो पूरा कैटलॉग था। किसका? इसका कैटलॉग मेरे पास शॉप पे बड़ा, ऐसे तो लंबा हो जाएगा सीन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अब नेक्स्ट दिखाते हैं। इसको रखें, ये दिखाएं, ये कौन सा? अब ये वाला ड्रेस दिखा दो आप। एक सेकंड, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं अपना नेक्स्ट वाला ड्रेस। तो ये भी जो है वो ये मेरा स्टिच हो चुका था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सेकंड, इसको भी दिखाते हैं। ये है ये वाला, कितना प्यारा है, आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये ड्रेस है, इसका दुपट्टा देखें, बहुत प्यारा दुपट्टा है इसका। ये देखें नेट पे, दैट नेट पे ना, इसको नेट ही बोलते हैं। और बहुत बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये। ये हो गया, और ये वाला ड्रेस भी हो गया। कितने ड्रेसेस आपको दिखा चुकी हूँ। उसके बाद जो है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये वाला ड्रेस। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा स्टिच हो चुका है, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, मुझे दिखाती हूँ। आउच, मेरा इस पे हाथ आ गया। देखिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने सारे जो ड्रेसेस यहाँ पे रखे थे, आपको हैंग करके दिखा देती हूँ ना, ताकि सही से। आउच। ये देखिए ये जो ड्रेस है ये भी बहुत प्यारा है। ये वाला ड्रेस पता क्यों, गर्मी बहुत ज्यादा थी तो मैंने इसको अभी तक जो है वो पहना नहीं। अब इंशाल्लाह जो है वो शादी पे पहनेंगे भाई की। तो ये भी हो गया, उसके बाद कौन से रह गए? जो
जो ये, अरे ये ड्रेस तो नहीं था, ये ड्रेस था लेकिन ये मैंने अनिला को गिफ्ट किया था। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा ये ड्रेस भी था लेकिन ये वाला जो ड्रेस है ये जो मेरी नंद है उनके लिए ये लेकर आए थे। उसके बाद ये देखें जो नेक्स्ट है, हाँ ये ड्रेस मैंने बहुत ज़्यादा पहना है, पहन पहन के मैंने इसको तो पुराना ही कर दिया, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये वाला अभी जो मैं दिखा नहीं सकती लेकिन जो वो मैं बहुत पहन चुकी हूँ। उसके बाद एक ये ड्रेस है, तो ये थी मेरे सारे वो सरप्राइज जो मैं भी मुझे भी नहीं पता था कि पड़े हुए हैं। और आज मैंने अलमारी खोली तो सारे ड्रेसेस मैंने देखे, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया देख के। तो थैंक यू थी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तो आप क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरे माइंड में एक थी फिल्म का तुम्हारी जो शॉपिंग थी उससे मुझे लग रहा है कि मेरी जान छोड़ जाएगी। अच्छा भाई की शादी की? हाँ। लेकिन उसमें आपको मुझे फुटवेयर तो लेके देने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक था। आप लोग मुझे शॉपिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे शॉपिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लेडीज के साथ जाके। क्या मतलब आपका है ये, क्या बात थी? जो थी वो बोल दी, लेडीज के साथ। वैसे लेडीज के साथ आई एम नॉट अ लेडी, आई एम अ गर्ल। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।